हाय फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आए हैं वो क्रिसमस स्पेशल है, डोनट्स। ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ही फेमस है और ये स्वीट होता है और चिल्ड्रंस को बहुत ही पसंद आता है। सो आइए हम घर में डोनट्स बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे ऑल पर्पस फ्लार लिया है, यानी मैदा लिया है 250 ग्राम, और मैंने इसका हाफ जो है वो शक्कर लिया है, और मैंने इसको बारीक मिक्सी में पीस लिया है। यहाँ पे मैंने जो है वो मिल्क पाउडर भी यूज़ किया है। मिल्क पाउडर भी मैंने जो है 100 ग्राम लिया है, और 1 स्पून मैंने यहाँ पे ड्राई यीस्ट लिया है, 2 स्पून मैं कस्टर्ड ले रही हूँ, और 1 चॉकलेट लिया है मैंने। हम इसको मेल्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मिल्क लिया है। लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें 100 ग्राम बटर भी यूज़ किया है। सो प्रोसेस में हम पहले एक बाउल लेंगे और उसमें हम मिल्क डालेंगे। यहाँ मैं मिल्क जो है वो 50 ml के आसपास यूज़ कर रही हूँ। मिल्क यहाँ पे हम गरम लेंगे, ठंडा मिल्क नहीं लेंगे। ये गुनगुना हो तो चलेगा, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। और अब हम इस मिल्क में 2 स्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए मिल्क में, तब हम इसमें हमारा जो ईस्ट हमने लिया है 1 स्पून, उसको ऐड करेंगे। ये ड्राई ईस्ट है, इसको फर्मेंट होने में टाइम लगेगा। सो आप इसको गरम मिल्क में ही डालिए, और डाल के हम इसको फर्मेंट होने तक के लिए वेट करेंगे। ये अप्रॉक्सली 50 मिनट्स टू 1 आवर लेगा प्रॉपरली फर्मेंट होने में। सो इसको टाइम दीजिएगा, और मिल्क गुनगुना होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब हम इसमें जो है यीस्ट मिला के इसको 1 आवर तक के लिए रेस्ट करने देंगे। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में मैंने एक बाउल लिया है, और इसमें मैं जो मेरा मैदा था वो ऐड कर रही हूँ। मैदा के बाद मैं इसमें अपना मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ, और अब जो हमारा पीसा हुआ चीनी था वो हम इसमें डालेंगे। हम एक बार में सारी चीनी नहीं डालेंगे, मैं यहाँ पे जो बची हुई चीनी है उसका हाफ डाल रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये डोनट्स हैं तो ये मीठे ही अच्छे लगते हैं, और बच्चों को तो मीठा वैसे भी बहुत पसंद है। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कोई लम्ब्स नहीं रहे इसलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मिक्स हो गया है, हमारा दूध भी फर्मेंट हो चुका है यीस्ट वाला। सो अब हम इस मिल्क को धीरे धीरे अपने जो है ये मिक्सचर में ऐड करेंगे, और एक अच्छा सा डो प्रिपेयर करेंगे। डो बनाते समय ध्यान रखिएगा, ये बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट नहीं, क्योंकि इसमें शक्कर है। सो मिल्क हम थोड़ा हिसाब से डालेंगे ताकि ये बिल्कुल रनिंग ना हो जाए। ये मतलब बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमको इसका तैयार करना है। जो हमारा ये बटर है, ये हम बटर इसमें लगाएंगे। सो इसमें हम अच्छे से बटर मिक्स कर लेंगे इस आटे में, और फिर हम इस आटे को रेस्ट करने देंगे 1 घंटे तक के लिए। उसके बाद फिर हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो आइए अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं। मैं जो है वो हमने जो अपना कस्टर्ड पाउडर लिया था उसमें 3 स्पून ठंडा दूध डाल के मैंने एक अच्छी सी स्लरी रेडी कर ली है। अब हम इसको साइड में रखेंगे, और दूध को हम आँच पे रखेंगे और इसको बॉईल आने देंगे। अब ये हमारा दूध जो है वो अच्छे से बॉईल होने लगा है, हमने आँच को कम कर दिया है, और इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। जो हमारा बचा हुआ शुगर था वो हम इस स्लरी में, इस मिल्क में ऐड कर देंगे, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और अच्छे से दूध और शक्कर को बॉईल आने तक हम इसको स्टेयर करते रहेंगे।
चलिए दूध हमारा अच्छे से बॉईल होने लगा है और जो ये हमने कस्टर्ड पाउडर की स्लरी बना रखी थी उसमें से मैं एक स्पून जो है वो धीरे धीरे इस मिल्क में ऐड कर रही हूँ और स्टेयर करते रहेंगे हम। मेक श्योर कि हम स्टेयर करें, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे और हम एक साथ सारा कस्टर्ड पाउडर भी नहीं डालेंगे। धीरे धीरे करके वन वन स्पून करके और इसमें हम डालते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जब जब इसमें बॉयल आएगा मिल्क में तब हम इसमें ऐड करेंगे, वन स्पून करके ऐड करेंगे और कस्टर्ड डालने के बाद प्लीज़ इसको मिक्स कीजिए आप, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। स्टेयर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं अब थर्ड स्पून जो है वो ऐड करती हूँ अपना कस्टर्ड का, ज़्यादा बचा नहीं है, चलो एक बार में ही ऐड करते हैं और इसको हम मिक्स करेंगे, स्टेयर करते रहेंगे। और अब हम जो है हमारे पूरे कस्टर्ड को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसकी बिल्कुल जो है वो हम रनिंग कंसिस्टेंसी का कस्टर्ड रेडी करेंगे। ये ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हल्का भी नहीं होना चाहिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल राइट है क्योंकि अभी ये गर्म है, जब ये कस्टर्ड ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा होगा, इसलिए ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है हमारे कस्टर्ड का। मैं इसको एक बार और अच्छे से बॉईल करके और मैं अब जो है अपने आँच को बंद कर दूँगी और फिर हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। चलिए मैं अब गैस को बंद कर देती हूँ और अब हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टेप पर। तो यहाँ पे जो मैंने आटा लिया था हमारा, जिसको हमने एक घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ा था, अब उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी वापस से एक बार और मैं इस आटे का दो पार्ट बनाऊँगी। तो हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके एक अच्छी सी लोई हम रेडी करेंगे, इवन हो वो सारे तरफ से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको बेलेंगे। पहले मैं सरफेस पे थोड़ा सा ड्राई मैदा डाल दे रही हूँ ताकि ये चिपके नहीं और फिर हम हमारी लोई रखेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसको इवेनली प्रॉपरली बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा हमको इसको बहुत पतला नहीं बेलना है। सो अब हम चलते हैं अपने डोनट्स को कट करने के लिए। डोनट्स को कट करने के लिए यहाँ मैं एक ग्लास का यूज़ कर रही हूँ। ग्लास से पहले हम सर्कल बनाएंगे। तो चलिए इस एक जो रोटी मैंने बनाई थी उसमें तीन सर्कल्स ही बराबर बन पा रहे हैं। सो अब हम जो है एक्स्ट्रा पार्ट्स को रिमूव कर लेते हैं। चलिए सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स हमने रिमूव कर लिए हैं। अब हम डोनट्स के होल बनाएंगे। सो डोनट्स के होल बनाने के लिए कुछ इस तरह का आप ढक्कन ले लीजिए, छोटा ढक्कन, और सेंटर में रख के जस्ट प्रेस कर दीजिए और ये हमारे डोनट्स के होल रेडी हो गए और ये हमारे डोनट्स भी रेडी हो गए हैं फ्राई करने के लिए। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, बीच के जो होल्स हैं इनसे रिमूव कर देंगे हम। आप चाहें तो इस स्टेप पे आप इसको बेक भी कर सकते हैं, मैं यहाँ फ्राई करूँगी क्योंकि मुझे फ्राई किए हुए डोनट्स ही अच्छे लगे। सो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल लिया, उसको पहले बहुत गर्म किया, फिर उसको मैंने थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे किया और अब हम इसमें अपने डोनट्स धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चार डोनट्स ऐड कर देती हूँ इसमें। डोनट्स को फ्राई करते समय आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, क्योंकि डोनट्स फिर बाहर से पक जाएंगे, जले जैसे हो जाएंगे और अंदर वो पकेंगे नहीं। सो इसको हमको मीडियम से कम आँच पे ही इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पकें और अच्छे से फूलें। इसको हम फ्लिप करके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए कम आंच पे रखे हम इनको फ्राई करेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये अपने साइज में
बढ़ने लगे, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट डाला है तो ये अच्छे से फूलेंगे। देखिए ये कितना अच्छे से फूल रहा है डोनट्स। हम इनको हल्के गोल्डन होने पर ही ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ऑयल से बाहर निकालने के बाद भी ये गर्म है और इनमें कुकिंग होती रहेगी। चलिए ये राइट टाइम है, हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। हम जो हमारे जो हमने हमारा कस्टर्ड बनाया था उसको मैंने इस तरह के एक सिरिंज में ले लिया है, और हम हमारे डोनट्स में होल करके और कस्टर्ड को इंजेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो डोनट्स हैं वो अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और क्रीमी भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन कस्टर्ड को धीरे धीरे इस इंजेक्शन की हेल्प से पूरे डोनट्स में जगह जगह इंजेक्ट कर देंगे, तो हमारा डोनट्स क्रीमी बन जाएगा। अब जो है, जो मैंने चॉकलेट लिया था उसको मैंने 2 मिनट्स के माइक्रोवेव कर लिया है, ये अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इस तरह से एक फोक में अपने डोनट्स को पिंच करके और इस तरह चॉकलेट में डिप करेंगे, ताकि अच्छे से चॉकलेट जो है वो डोनट्स पे कोट हो जाए। इसी तरह हम अपने बाकी के डोनट्स पे भी चॉकलेट की लेयर कोट करेंगे। ये देखिए, ये मैंने अपने सारे डोनट्स पे चॉकलेट लगा दिया। मेरे पास कुछ कलरफुल स्प्रिंकलर्स थे तो वो मैंने ऐड किया है अपने डोनट्स पे। कुछ पे मैंने जो है वो कैशू क्रश करके डाला है, कुछ पे मैंने पाउडर्ड शुगर डाला है, और कुछ पे मैंने जो है वो ब्राउन मेरे पास स्प्रिंकलर्स थे चॉकलेट के, वो मैंने डाले हैं। तो इस तरह हम हमारे डोनट्स को डेकोरेट कर लेंगे, और ये हमारे जो है वो यम्मी स्वीट सॉफ्ट टेस्टी डोनट्स रेडी हो गए हैं क्रिसमस के लिए। चलिए मैं आपको एक डोनट जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ब्रेक किया, ये देखिए हमारा डोनट कितना स्पंजी बना है, और जो मैंने इसमें कस्टर्ड इंजेक्ट किया था उससे ये बहुत ही क्रीमी भी बना है, ये देखिए। सो आप भी ये डोनट्स बनाइए और एंजॉय कीजिए इस क्रिसमस पे। अपने बच्चों को क्रिसमस पे आप डोनट्स बनाकर खिलाइए। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डोनट्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी, और आप इसी तरह के क्रीमी सॉफ्ट और स्वीट अपने डोनट्स बनाकर अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, बाय बाय।